हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑसम ब्लॉसम गार्डनिंग। आज मैं कई ऐसे पौधे बताऊंगी जिनको कि आप छोटे छोटे प्लांटर में लगाइए और हर कोने में इनको लगा सकते हैं आप घर के। और ये छोटे से छोटे प्लांटर हैं जिनको 2 से लेके 5 इंच के प्लांटर में आप रेडी कर सकते हैं इन पॉट को। सारे ही आज आपको मैं प्लांटर दिखाऊंगी जो मेरे गार्डन में लगे रहते हैं। क्यूट से प्लांटर में लगाया है, ये 2 इंच का प्लांटर है, छोटा सा सेरेमिक का। और देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो कर रहा है। ये प्लांट मैंने इसी में से ही बनाया है, ये क्रिप्टेंथस का प्लांट है। देखिए कितना सुंदर है ये। और ये भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये 3-4 इंच का हैंगिंग प्लांटर है, इसमें मैंने इसको लगा के रखा हुआ है। ये देखिए कितने अच्छे से ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट है ये बेहद ही खूबसूरत प्लांट, स्पाइडर प्लांट। ये सिर्फ 4 इंच के प्लांटर में लगा हुआ है। नेक्स्ट है ये सेरेमिक प्लांटर जो कि 3 इंच का है। तो ये देखिए कितना अच्छा जीजी प्लांट लगा हुआ है। इसमें मैंने इसको अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट किया था, इसको 1 महीना हो गया करीब करीब लगे हुए। तो इसमें से देखिए ग्रोथ भी होने लगी है, ये देखिए नया शूट निकलने लगा है। बहुत सुंदर प्लांटर है ये, आप कहीं पर भी इंडोर इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट है ये जेड का प्लांट। तो इसको तो आप छोटी छोटी कटिंग में भी ग्रो कर सकते हैं, और इसको मैंने बहुत ही छोटे प्लांटर में लगा रखा है। ये 4 इंच का ये प्लांटर है, इसके अंदर देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं प्लांट। इसमें बहुत सारी मैंने कटिंग लगा के रखी है, आप इनको भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ये चाइनीज वॉलेट का प्लांट। तो इसको भी मैंने कटिंग से ग्रो करा था, और देखिए ये 4 इंच के प्लांटर के अंदर लगा हुआ है, बहुत अच्छे से ये ग्रो करते रहते हैं, बहुत छोटी छोटी इनकी रूट्स होती हैं। नेक्स्ट है ये स्विस चीज का प्लांट। तो देखिए ये भी 3 इंच के पॉट में लगा हुआ है, बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट है ये हावर्थिया। तो देखिए ये कैक्टस के प्लांट होते हैं जो कि बहुत ही छोटे से पॉट में लगा हुआ है। देखिए ये 4 इंच के प्लांटर में लगा हुआ है, और यहाँ पे देखिए इसका बेबी भी ग्रो कर रहा है साइड में, या एक एक लीव से भी ये ग्रो हो जाते हैं। इनको भी आप लगाइए, छोटे से छोटे पॉट में भी ये ग्रो करते हैं। सेरेमिक में भी लगाइए, मिट्टी के में भी लगाइए, सब में लग जाते हैं ये। नेक्स्ट है ये ड्रेसिना की एक वेराइटी है जो 4 इंच के पॉट में लगी हुई है, और इसी में ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। देखिए नेक्स्ट है ये अजवाइन का प्लांट। तो ये भी बहुत सुंदर प्लांट है, इसकी कटिंग बहुत छोटी छोटी कटिंग लग जाती है, इस समय पर लगा लीजिए आप। तो इसको भी मैंने कटिंग से ही रेडी कराया, ये 4 इंच के प्लांटर के अंदर लगा हुआ है। नेक्स्ट है ये पोल्का डॉट की एक वेराइटी, बहुत सुंदर प्लांट है ये। देखिए ये भी 4 इंच के पॉट में लगा हुआ है। नेक्स्ट है ये बोट लिली का प्लांट। तो ये भी 5 इंच के प्लांटर के अंदर लगा हुआ है, बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहा है इस समय पर। देखिए इसमें कितनी सारी छोटे से पॉट के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस निकली हैं। नेक्स्ट है ये वॉन्डरिंग व्यू का प्लांट। तो ये भी 4 इंच के पॉट में लगा हुआ है, कितने अच्छे से इसके ब्रांचेस ग्रो कर रही हैं इसमें, इतने छोटे से पॉट के अंदर। इसको बहुत छोटे से छोटे प्लांटर में आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ये पर्पल हार्ट का प्लांट जो कि 4 इंच के पॉट में लगा हुआ है, नर्सरी वाला पॉट है ये। ये देखिए कितनी अच्छी इसमें ब्रांचेस आ गई हैं। नेक्स्ट है ये एस्पेरेगस फैमिली का। तो देखिए ये भी कितने छोटे से पॉट में लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये 4 इंच का प्लांटर है, और इसमें देखिए कितने सारे इसके बेबीज निकले हुए हैं, तो आप इनको निकाल कर भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है ये मनी प्लांट का। तो देखिए ये कितने छोटे से मग में लगा हुआ है, 3 इंच का ये मग है। नेक्स्ट है ये सिंगोनियम का प्लांट। तो देखिए कितने अच्छे से ये पॉट में ग्रो कर रहा है, ये 4 इंच का प्लांट है जो कि बॉर्नविटा का एक प्लांटर बनाया हुआ है, उसमें लगा हुआ है ये। थे ये टेंगल हार्ट का प्लांट। तो देखिए छोटे से प्लांटर के अंदर लगा रखा, जैसे कि आप देख रहे हैं ये एक हवन बेदी है, ये टूट गई थी मेरी, तो मैंने उसी में एक ब्रांच लगा दी थी, 2 या 3 इंच इसकी लंबाई रहती है। तो देखिए कितने अच्छे से इसमें भी ग्रो कर रहा है ये। नेक्स्ट है ये स्नेक प्लांट की ड्वार्फ वेराइटी। तो देखिए ये भी बहुत छोटे प्लांटर के अंदर लगा हुआ है, और इसमें देखिए 2-3 इसके पप्स निकले हुए हैं, बहुत अच्छे से ये ग्रो कर रहे हैं। देखिए ये सिर्फ और सिर्फ 3 इंच के प्लांटर के अंदर लगा हुआ है। नेक्स्ट है ये बेबी टीयर्स का प्लांट। तो ये भी बहुत छोटे छोटे प्लांटर में आप लगा सकते हैं, लंबाई देखिए सिर्फ इसकी 3 या 4 इंच की होगी, तो इसको भी आप लगा सकते हैं छोटे प्लांटर के अंदर। नेक्स्ट है ये क्रोटन का प्लांट। तो देखिए कितने अच्छे से ये ग्रो कर रहा है, ये कटिंग से लगाया था मैंने, 4 इंच का प्लांटर है ये नर्सरी वाला। नेक्स्ट है ये क्रोटन की वैरायटी। देखिए ये त्रिशूल शेप में, देखिए कितने सुंदर इसके कलर डिफाइन हो रहे हैं। ये भी मैंने कटिंग से ही रेडी करा था, ये फरवरी में मैंने कटिंग लगाई थी इसकी। ये सिर्फ और सिर्फ 5 इंच के प्लांटर के अंदर ही चल रहा है, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं छोटे छोटे प्लांटर के अंदर। ये एक प्लांटर फ्रेंड, इसका मुझे नाम नहीं पता है, बट मैंने इसको कटिंग से रेडी करा था। कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि ये कौन सा प्लांट है। ये सिर्फ और सिर्फ 4 इंच के प्लांटर के अंदर मैंने रेडी करा था, इसकी कटिंग लगाई थी। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.